नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में तकरीबन ये तय माना जा रहा है कि कोरोना संकट के बावजूद विधानसभा के चुनाव तय समय पर होंगे। तब भी जब बिहार के कई राजनीतिक दल इसके पक्ष में खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, संशय जरूर है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव तय समय पर होंगे, इसलिए बिहार के तमाम राजनीतिक दल चुनावी मोड में नजर आ गए हैं। कांग्रेस भी अब मिशन 2020 की तैयारी में जुट गई है। राहुल गांधी एक्टिव हो गए हैं। राहुल गांधी आज सुबह 11 बजे से बिहार के कांग्रेसी नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, और जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि इस वर्चुअल मीटिंग में पार्टी के तमाम बड़े नेता, सांसद, विधायक, विधान पार्षद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधान पार्षद, प्रदेश पदाधिकारी, वर्किंग कमेटी, इलेक्शन कमेटी, कैंपेनिंग कमेटी के साथ साथ जिलाध्यक्षों से लेकर प्रखंड अध्यक्ष तक को जोड़ा जाएगा। इस वर्चुअल संवाद में कांग्रेस के अलग अलग इकाइयों के प्रतिनिधि भी जुड़े हैं, और इनमें महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, NSUI के साथ साथ सभी मोर्चा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों से भी राहुल गांधी सीधा संवाद कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की वर्चुअल मीटिंग जारी है, और इस वर्चुअल मीटिंग को लेकर बिहार के कांग्रेसी नेताओं में काफ़ी उत्साह था, और कांग्रेस की जो तमाम इकाइयां हैं, बिहार कांग्रेस की जो तमाम इकाइयां हैं, उन तमाम इकाइयों के नेताओं से राहुल गांधी संवाद कर रहे हैं वर्चुअल मीटिंग के जरिए, चाहे वो जिलाध्यक्ष हों, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, पूर्व विधायक हों, पूर्व सांसद हों, सांसद हों, विधान पार्षद हों। तो ये पूरी तरह से चुनाव की तैयारी है। बिहार कांग्रेस भी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। राहुल गांधी मिशन 2020 की तैयारी में जुट गए हैं और बिहार के कांग्रेसी नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग चल रही है। तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है बिहार के सियासी गलियारों से विधानसभा चुनाव को लेकर। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि कोरोना का संकट है, इसलिए कई बार ये आशंका सामने आती है कि क्या विधानसभा के चुनाव तय समय पर हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। कई दल, बिहार के ज़्यादातर राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि बिहार में चुनाव टलना चाहिए, चुनाव वाली स्थिति और परिस्थिति नहीं है। कांग्रेस भी उन्हीं राजनीतिक दलों में से शामिल है जो ये चाहती है कि बिहार में चुनाव टाला जाना चाहिए, पारंपरिक तरीके से चुनाव इन परिस्थितियों में नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग से संकेत मिलता रहा है, चुनाव आयोग तैयारी करती दिख रही है विधानसभा चुनाव की, तो जाहिर है राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरी है, वो चुनाव की तैयारी में वो भी जुटे हुए हैं, वो भी चुनावी मोड में चले गए हैं। और कांग्रेस की तरफ से अब ये तैयारी सामने आई है, राहुल गांधी आज एक बड़ी वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, तमाम नेताओं से बात कर रहे हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।